हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इधर सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसी कड़ी में सुनीता दुग्गल ने सिरसा के कई इलाकों में प्रचार अभियान चलाया। लोगों को संबोधित करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज बीजेपी के पक्ष में जन सैलाब उमड़ रहा है और भारी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो और जेजेपी का वजूद ही खत्म हो चुका है। दुग्गल ने कहा कि बीजेपी को शहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन आज शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी अपार जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी घूस दिए युवाओं को नौकरी मिल रही है और बहुत संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों के युवाओं को बिना सिफारिश नौकरियां मिल रही हैं। वहीं राहुल गांधी पर बोलते हुए दुग्गल ने कहा कि राहुल के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कांग्रेस के पास पिछली बार 44 सीटें आई थी, इस बार कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट जाएगी। पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है और सभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और INLD जो है वो बुरी तरह से बिखर चुकी है और JJP का तो यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चारों तरफ जो है वो कमल की बहार खिली हुई है और लोग बेताब हैं कि कब 12 तारीख आए और लोग यहाँ पर कमल का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वापस देश की बागडोर सौंपें। कंपटीशन हो रखा है कि शहर वाले जो हैं वो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या कि गांव वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा हैं। लोगों के अंदर एक्चुअली जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में जो काम जो योजनाएँ करी हैं और जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बिना किसी भेदभाव के जो हर विधानसभा में उन्होंने घोषणाएं की हैं और करोड़ों रुपया जो दिया है और किसानों को खासकर जो 550 करोड़ के करीब जो मुआवजा फसल बीमा योजना के तहत हमारे सिरसा जिले में जो मिला है और इसके साथ साथ जो किसानों को जो 6,000 रुपया उसकी 2 किस्तें आ गई हैं उनके अकाउंट्स में, खाते में आ गए हैं, तो वो बहुत खुश हैं।